कराची में रेंजर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 19 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, मुलजिमान से असलहा, स्मगल शुदा ईरानी डीजल बरामद। तर्जुमा रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में भत्ताखोर, ईरानी स्मगलर, गैर कानूनी तारीख वतन शामिल हैं। कायदे हिज्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं वज़ीर आज़म ने खुद को बचाने के लिए कतरी शहजादे के खत का सहारा लिया। पैनामा के सुप्रीम कोर्ट में है, नवाज शरीफ बच पाएंगे या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। कतरी शहजादे के खत के बाद शायद नवाज शरीफ को दादा जान की सोने की देख भी याद आ जाए। कमर जमान कायरा बोले तारीख में पहली बार कतरी शहजादे की इन्वेस्टमेंट का जिक्र आया है, हैरत होती है। किसी सूबे ने 84 मेगावाट का मंसूबा शुरू नहीं किया, करप्शन मुआशरे के लिए सबसे बड़ा कैंसर है, इस पर काबू पा लिया जाए तो मुआशरे में खुशहाली आ सकती है। 1200 मेगावाट के मंसूबे से सूबे में इनकलाब आएगा। कलाम में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का तकरीर से खिताब। सिंध हाई कोर्ट में शराबखानों पर पाबंदी से मुतालिक केस की समाअत, अदालत का हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। खुलेआम शराब की फरोख जारी है मगर सिंध हुकूमत सो रही है। हदूद ऑर्डिनेंस की रोशनी में लाइसेंस का नया कानून कब बनेगा? चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के रिमार्क्स, केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। पिशावर में चंद घंटों के दौरान दो धमाके, पहला धमाका कारखानों पीरानो मार्केट में हुआ, दूसरा नादौन में हुआ। मार्केट बंद होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। डेरा मुफ्ती को बड़ी तकरीबकारी और तबाही से बचा लिया गया। कोहलू में लिविस की कार्रवाई, एंटी एयरक्राफ्ट गन की 85 गोलियां, 1760 राउंड, 9 रॉकेट लॉन्चर, मार्टर गोला, 10 हैंड ग्रेनेड और सैटेलाइट फोन भी बरामद। कराची में वजीर आला सिंध की जेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास, इजलास में कुछ मंसूबों में सुस्त रवि पर वजीर आला सिंध का इजहार बरहमी। डीएमसीज के पास फंड मौजूद हैं फिर सफाई क्यों नहीं हो रही? इख्तियारात का रोना रोककर कोई जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जोश अर्निस्ट का कहना है अमेरिका के पाकिस्तान से ताल्लुकात, खासतौर पर सलामती अमूर काफी पेचीदा हैं। 8 बरसों में पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तकिल मजाजी के साथ हमवार नहीं रहे। तमाम सदूर महकमे खारजा के अहलकारों से मशवरा लेते रहे और ओहदा संभालने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही करेंगे। और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान सर तालुकात में किसी पेशरफ्त का इम्कान नजर नहीं आता। पाकिस्तान भारत से मुजाकरात की भीख नहीं मांगता, कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी हमायत जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें रॉयल न्यूज।